पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से संजीदा नजर आ रहे हैं। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। साथ ही जनपद में शांति समिति की मीटिंग भी आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत पंचायत भवन सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी, जिसमे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मीटिंग में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमराज मीणा सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने महानगर के गणमान्य नागरिकों के साथ आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। की बैठक में बेसिकली दो मुद्दे थे। कांवड़, इस समय कांवड़ भी चल रहा है, दो सोमवार बीत चुके हैं, लेकिन इस बार चूंकि सावन का महीना बल मास के कारण, अधिक मास के कारण आठ सोमवार का है, तो दो बीत चुके हैं, अभी हमारे छः बचे हैं। तो कांवड़ की व्यवस्था कैसे और बेहतर ढंग से की जाए, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा आज की गई। दूसरे, मुहर्रम भी इसी दौरान मनाया जाना है, कल से मुहर्रम की पहली तारीख आ रही है, तो मुहर्रम की जो तैयारियां हैं उसके संबंध में पीस कमेटी में चर्चा की गई। बेसिकली जो प्रश्न यहाँ पर आए, साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर के, सड़क रिपेयर को लेकर के, स्ट्रीट लाइट को लेकर के, जो ताजिए हैं उसकी हाइट को लेकर के, जो कांवड़ है उसकी हाइट को लेकर के, ये बातें आई। इस पर एक सहमति बनी है कि उसको हाइट को इस तरह से रखा जाएगा कि जो हमारे विद्युत के पोल हैं, जो टेलीफोन के पोल हैं, उस पर किसी तरह की बाधा ना पहुँचे और किसी को असुविधा ना हो, इस तरह से हाइट रखा जाएगा। प्लस इस कमेटी के लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग खुद अपने वॉलेंटियर्स बना करके, जो हमारे कांवड़ होंगे, जो हमारे ताजिए होंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, किसी तरह की कोई असुविधा ना होने पाए इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, और सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग उसका मिलजुल के निदान। अपील करना चाहेंगे जनपद वासियों से? देखिए, हमारी अपील यही है कि ये मुरादाबाद हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का जिला रहा है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो मिक्स डेमोग्राफी है, और सभी लोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर न केवल चलते हैं बल्कि आपस में व्यवसाय और आपस में अच्छे संबंध भी हैं। तो इस जो मधुरता है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसको हम बनाए रखें। अगर कहीं कोई किसी तरह की छिटपुट कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन का सहयोग लें, अपने स्तर से किसी तरह का विवाद न करें, ये मेरी सभी लोगों से पूछा। देखिए, आज जो पंचायत सभागार है यहाँ पे, जनपद की जो सेंट्रल पीस कमेटी की जो बैठक की गई थी, इसमें विशेष तौर से जो मुहर्रम के त्यौहार को लेकर और जो अभी जो कांवड़ का जो शेष जो सोमवार बचे हैं उनको लेकर जो जो चीज़ें हैं उनको लेकर यहाँ पे मीटिंग की गई थी, और सभी लोगों से उसमें वार्ता किया गया, जिसमें विशेष तौर से जो मुहर्रम के त्यौहार के जो जुलूस हैं और जो कांवड़ के जो रूट से जो आपस में जहाँ जहाँ मिल रहे हैं तो उनको लेकर जो भी विषय थे उनके बारे में लोगों को बताया गया। इसके अलावा जो कांवड़ जो जिसकी हाइट बड़ी होती है उसको लेकर अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरठ में एक बड़ी घटना हुई है, तो उसको लेकर भी सभी अधिकारियों को बताया गया कि इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि कांवड़ की जो हाइट है वो ज़्यादा ना हो। उसी तरीके से उसी तर्ज पर जो ताजिए होते हैं वो भी कई बार हाइट उनकी ज़्यादा होती है और जो शहर क्षेत्र में जो विद्युत के जो तार है वो उनके टच हो जाते हैं और उससे दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये निर्धारित किया गया कि 12 फीट से ज़्यादा कोई भी ताजिया ना रहे, और जो परिस्थितियों के हिसाब से जहाँ पर जो जो ताजिया जहाँ से निकलना है, जो गली मोहल्लों में जो तारों की जो ऊँचाई है उसके हिसाब से सब चीज़ों को कराया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई बात ना हो। और बाकी सभी लोगों ने जो छोटे छोटे इश्यूज जो बताए तो उन सभी के बारे में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को बता दिया गया है, और मौके पर जाके सभी लोगों को ये भी बताया गया कि जहाँ जहाँ ताजिए के जुलूस निकलेंगे वहाँ सभी लोग एक बार फिजिकल भ्रमण करके और इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी समस्या उसका समय से पहले निदान हो जाए, जिससे कि जो जो भी आने वाले त्यौहार है उसमें किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। उसी को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग की गई थी, और इसके लिए हम लोगों की पूरी तैयारियाँ हैं। इसके लिए जनपद को जो पुलिस फोर्स है उसका भी आवंटन जो DGP मुख्यालय है उसके द्वारा हो गया है। यहाँ पर एक कंपनी RAF की हमको मिली, दो कंपनी हमने PSC की डिमांड की, उसका भी जल्दी आवंटन आ जाए। इसके अलावा जो जो सब इंस्पेक्टर्स जो यहाँ पर रिक्रूट्स हैं उनको भी 200 का आवंटन यहाँ पर जनपद को हो गया है, तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस की व्यवस्था है। ड्रोन, CCTV कैमरे और अन्य जो भी सब चीज़ों से हम लोग जो फ्लैग मार्च, रूट मार्च करके और जो आने वाले त्यौहार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत जनपद में नहीं होगी। इसके लिए सभी लोगों ने आश्वस्त किया। आगामी त्यौहारों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आप सभी के माध्यम से सब लोगों से कहूँगा कि जनपद की जो कानून व्यवस्था है उसको सभी लोग संभालना और उसको शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखना सब लोगों की जिम्मेदारी है, और इस जनपद के सभी जो सम्मानित नागरिकगण हैं वो सभी त्योहारों में शांतिपूर्ण तरीके से और सहनशीलता बरतते हुए हर त्यौहार को मनाएं,
और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या प्रशासन से जुड़ा मामला है या पुलिस से कोई चीज़ की डिमांड है तो उसको हमारे अधिकारियों को हम लोगों को बताएं, जिससे कि उसका समय पर निदान कर सकें। आपस में किसी प्रकार के किसी भी बात को लेकर बिना कंप्लीट चीज़ें ना करें। और दूसरा, सोशल मीडिया पर कोई भी इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि यदि किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलती है तो फिर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती है। तो सोशल मीडिया है, उसका उपयोग है वो पूरे विवेक के अनुसार करें और कोई भी उसमें इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट ना करें जो कि प्रोहिबिटेड है। सर, आपने एक बात कही थी कि धार्मिक, आप सभी को जानकारी होगी कि आदरणीय DGP महोदय के द्वारा और शासन के द्वारा एक ऑपरेशन दृष्टि जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और आप सबके माध्यम से मेरा जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों से ये अनुरोध है कि अपने अपने गली मोहल्लों में, अपने दुकानों पर, अपने घरों पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में CCTV कैमरे लगाएं और ये एक अभियान की तरह सभी लोग लें, क्योंकि CCTV आने वाले टाइम में सुरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि CCTV आप लगवा लिए तो उसके बाद में आपके घर के सामने कोई कुछ भी अगर कोई खुराफात करता है या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ों आपके यहाँ पे चोरी करता है या नकबजनी करता है या फिर कोई अन्य किसी प्रकार की किसी भी छीटाकसी या मतलब छोटी से छोटी चीज़ होती है तो हर चीज़ का कोई एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है और उसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति था, किसने क्या किया। तो CCTV आने वाले समय का एक तरीके से वरदान है अपने आप को सुरक्षित रखने का। तो सभी लोग CCTV कैमरे अपने घरों के सामने लगवाएं और IP कैमरे लगवाएं, जिससे कि आप लोग घर पर ना होते हुए भी, जैसे कई बार होता है कि इस तरह की घटनाएं होती है जिसमें कि लोग ताला लगा के कहीं पे किसी त्यौहार पे चले गए या किसी फंक्शन में चले गए और उसके बाद में जब आते हैं तो घर के ताले टूटे हुए मिलते हैं। तो मेरा सबसे कहना है कि IP एड्रेस वाले कैमरे लगवाएं और आप अपने मोबाइल में उसका फीड लें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप घर का दूर से बैठ के भी आप लोग उसकी सुरक्षा देख सकते हैं और यदि कोई बात होती तो तत्काल पुलिस को सूचना भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक अभियान है और इसमें सभी लोग यदि बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे तो इस प्रदेश की और जो ज़िले की जो कानून व्यवस्था है उसमें आप अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा करेंगे। तो मेरा सभी इससे अनुरोध है आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग ये कैमरे लगाएं। थैंक यू सर। पब्लिक TV आपकी आवाज़।